तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। ये जो वेब फॉर्म दिया हुआ है, ये बेसिकली एक इनपुट वेब फॉर्म है, देख रहे हैं ये क्या है, इनपुट वेब फॉर्म है। तो इस इनपुट वेब फॉर्म से बेसिकली हमें आउटपुट वेब फॉर्म लेना है, लेकिन ये इनपुट वेब फॉर्म कौन से लॉजिक गेट का ये नहीं पता, इसके लिए यहाँ सर्किट डायग्राम दिया हुआ लॉजिक गेट। तो यहाँ से ए आया और ये जो है देख रहे हो एक ही इनपुट है, ये यहाँ से भी आया, ए कुल मिला कि ए ही आया ना भाई, एक ही इनपुट ए आया यहाँ से और एक ही इनपुट आया। तो ये यहाँ जो बिंदी होता है वो नॉट गेट की तरह काम करता है बिंदी, तो यहाँ से ए बार आया, समझ। तो ये यहाँ से बी आया और ये बिंदी जो होता है, जो बिंदी और नॉट गेट की तरह काम करता है, तो ये बी बार आया एक ही इनपुट। अब यहाँ से देखो ये वाला, अगर ये बिंदी नहीं होता तो ये कौन सा गेट होता है, तो ये एंड गेट होता, समझ रहे हो। बिंदी लगने से मल्टीप्लाई करेगा ए डॉट बी, इसको जो मिला वो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन बिंदी लगने से पूरे पे बार चढ़ा देगा, तो जो आउटपुट वाई की वैल्यू आ जाएगी वो ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बार का और पूरे का बार चढ़ा देगा, समझ रहे। तो यहाँ कौन सा थीरम लग जाएगा भैया, बहुत फेमस थीरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैं अब डी मॉर्गन्स लॉ यूज करने जाता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है भाई, एक्स एक्स मल्टीप्लाई वाई बराबर होता है भाई, अलग अलग हो जाओ और साइन चेंज कर लो, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर पूरे पर बार है और तो ये कहता है x अलग हो जाओ और मल्टीप्लाई कर लो, और x प्लस वाई और पूरे पर बार है तो ये कहता है x प्लस वाई साइन चेंज कर लो और बार अलग अलग हो जाओ, बस ये है डी मॉर्गन्स लॉ। आ रहा समझ में। तो ऐसे हमारा, तो इस बेसिस पे इस y की जो वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू साइन चेंज कर लो भाई, a और ये मल्टी डॉट है तो मल्टीप्लाई हो जाओ और जो बार है वो अलग अलग अपना कर लो टोटल बार। तो उल्टे का उल्टा ए बार का ए बार ए होता है, ठीक है, उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो ए प्लस बी, समझ रहे ना। तो ये वाई, तो ये कौन सा लॉजिक गेट है भैया, तो ये तो और गेट है यार, समझ रहे हो, ये और गेट है। तो और गेट का ट्रू टेबल क्या होता है भाई, और गेट है तो और गेट का ट्रू टेबल हम सबको याद होगा मेरे भाई, अगर इतना भी नहीं याद है तो भाई याद कर लो, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या लगा डांटूंगा। तो ए बी और ए लॉजिक गेट वाई, तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ए ए है, ये बी है, ये वाई है, तो ये जीरो है, जीरो है जीरो देता है, वन है जीरो है तो वन देगा, और जीरो है और यहाँ से और भाई यहाँ से वन है हाँ जीरो है वन है तो वन देगा, और वन वन है तो वन देगा, बात समझ में आए। ये आर गेट का ट्रू टेबल है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इस वेव फॉर्म में देखो, तो वेव फॉर्म में अगर तुम देखोगे तो वेव फॉर्म में जाके अगर अच्छे से देखोगे तो चलो दूसरा कलर से, तो ये वाली लाइन जीरो वाली लाइन है, ये वाली लाइन वेव फॉर्म की इनपुट वेव फॉर्म की जीरो वाली लाइन है, और टी वन से टी टू तक देखो यहाँ पर वन है, हाई है, समझ रहे, ये वाला हाई है, समझ रहे ना, तो वन है, तो फिर हाई हाई रहा फिर वन रहा, तो टी वन से टी टू तक ए वन की वैल्यू तो वन है और बी की वैल्यू क्या है जीरो है, तो वन और जीरो मिलके क्या देंगे वन देंगे, तो आउटपुट वेव फॉर्म टी वन से टी टू तक ये तो जीरो है, तो ये कभी सही नहीं हो सकता, ये सही हो सकता है टी वन से टी टू, ए भी टी वन से टी टू जीरो है तो ये भी सही नहीं हो सकता, दो ऑप्शन का और इसके भी सही होने के चांस है, ठीक है। अब चलो देखो टी टू से टी थ्री के बीच देखो, तो ये जीरो से थोड़ा सा ऊपर ग्राफ है, देख रहे ये, तो ये वन है, ठीक है, टी वन से टी टू लोगे ए की वैल्यू वन है और इसकी भी वैल्यू वन है, तो वन और वन मिल के और गेट में क्या देगा वन देगा, मतलब आउटपुट टी टू से टी वन वन होगा, तो इसमें भी वन है और नहीं ये तो बिल्कुल सही ही नहीं था, पहले ही गलत हो गया था, तो यहाँ पर जीरो है, देख रहे हो यहाँ पर जीरो है, टी टू से टी थ्री के बीच जो है आउटपुट जीरो है और यहाँ पर वन है, तो कुल मिला के ये ऑप्शन गलत है, मतलब अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है, और नहीं तो कोई बच्चा कहता सर एक दो और चेक कर दो, तो चलो उसकी भी बात मान ही लेते हैं, कुछ होते हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ से टी टू से टी थ्री तक देखो जीरो है, टी थ्री से टी फोर तक इनपुट ए की जीरो है और बी की है देखो ये वन है, ठीक है ना, वन है, तो जीरो और वन क्या देगा वन देगा, तो टी थ्री से देख रहे हो यहाँ पर वन है, फिर यहाँ वन है, देख रहे हो वन है, बात समझ में आए। अब टी टी फोर से टी फाइव तक देखो जीरो है,
यहाँ पर ये वाली जीरो है, और यहाँ से तुम देखोगे ए भी जीरो है, तो अब जीरो मिलेगा। तो देखो यहाँ जीरो मिल रहा है, तो कुल मिला के अपना 4000 सही है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट, बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और PDF डाउनलोड कर लेना, जिससे तुम बड़े आराम से पढ़ते पढ़ते रहोगे उसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया में भाई कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है, तो अपना खुद ख्याल रखो।